हरी के बारंबार प्रणाम मात को, और के बारंबार प्रणाम मात को, और के माने हमें दिया जीवन, और वे जहां मेरी बात बिल्कुल 100% आपको अच्छी लगे और सच्ची लगे और ऊंची लगे, केवल वहां ताली बजाना। इसने कहा कि बारंबार प्रणाम मात को, माने हमें दिया जीवन। अगर हमने जीवन दे दिया, हमने किसी पौधे को लगा दिया, हमने कोई फसल बो दी, तो बड़ी बात तो ये है ही है, क्योंकि बिना बोए हुए कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसकी परवरिश ना करें, अगर हम उसकी देखभाल ना करें, अगर हम आंधी तूफानों से और ढोर डांगरों से उसको ना बचाएं, तो क्या वो पौधा बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए कहता हूं मैं कि पिता ने जीवन परवरिश कर दिया, पिता को बारंबार नमन। पिता ने जीवन परवरिश कर दिया, पिता को बारंबार नमन। बारंबार प्रणाम मात को, बारंबार प्रणाम मात को, माने हमें दिया जीवन। पिता ने जीवन परवरिश कर दिया, पिता को सगत करूं नमन। पिता ने जीवन से पूछ करके देखो उनको जीवन कैसे बिताना पड़ता है। अगर कोई बाहर थप्पड़ चट्टू मार भी देता है, धमका देता है, और घर में पिता नहीं है, माँ ये कहेगी कि बेटा उनके पास में खेलने मत जाया कर। और अगर पिता है तो ये कहेगा चल मुझे बता, मैं देखूंगा किसने मारे, दो मारे मैं चार मारूंगा। इसलिए उसमें हौसला बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कहा है कवि ने क्या, पिता के बिना अनाथ है जीवन, दिखता है अंधकार बड़ा।
बात सच है। बच्चे को जब स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो आजकल पिता के नाम के साथ में माता का नाम भी लिखा जाता है। अब दोनों का गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दिया है कि दोनों का नाम होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को आप ये पूछना चाहो कि ये बच्चा किसका है, तो वो बच्चा अगर अपनी माँ का नाम बताएगा तो क्या आपको पता चल जाएगा कि ये किसका बच्चा है? नहीं चल पाएगा। इसलिए तो कहता हूँ, क्या बताऊँ, और माता से घर की रौनक है, माता घर की शान है। पिता नाम से ही बच्चे की, पिता के नाम से ही बच्चे की दुनिया में पहचान है। विशाल है धरती माता की गरिमा, बहुत बड़ी है। हाँ। लेकिन पिता का दर्जा अब की बार मैं बताऊंगा, आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाना, नहीं लगे तो ताली नीचे कर लेना। अब की बार कह दिया जाए, और माता का पृथ्वी का दर्जा, माता का पृथ्वी का दर्जा, पिता का दर्जा नील गगन, पिता ने जीवन सर्वस्व कर दिया, से भी कर सके हैं। हाँ हाँ। लेकिन माँ से कर सकती है, कुछ इस तरह की बात होती है। अच्छा। बाप से नहीं कर सकती। लेकिन एक आध बात ऐसी भी है, कैसी प्रेमी दोस्तों, ध्यान से सुनना। हाँ, सारे नंबर बनावेगा देखा भैया, हंसना मत। हाँ, हाँ। हंसना मत, लेकिन ध्यान से सुनना। के? एक आध बात ऐसी भी है बेटी। कैसी है? माँ से नहीं बताएगी, सीधी जाते ही पिता से बताएगी। अच्छा, मैं बताऊंगा कौन सी है। अच्छी लगे तो तालियां बजाना, नहीं लगे तो मत बजाना। आ जा कह दे। तो मत बजाना, आपके बार कह दे, कह जल्दी। और माँ पूरी कर बालक की जिद, माँ पूरी कर बालक की जिद, जो भी बच्चा चाह वैसे। ज्यादा जिद भी ठीक नहीं हो, ज्यादा जिद भी ठीक नहीं हो, फिर बाप के थप्पड़ खा वैसे। जोरदार बजाओ अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो, ये देख ले। हाँ, बजवा ले। बिल्कुल तुझे। अब के माता बहनों की अपनी बात बताऊंगी माँ की तरफ से। अब के तेरी बोलती नहीं लिकड़े। हाँ। ये माँ बाप की रागनी चल रही है, लेकिन कोई कोई माँ बाप ऐसा भी लापरवाह हो जाता है, बच्चा बेचारा किसी का खो गया है, कोई सी बैठी हो तो ले जाना। इसमें लापरवाही माँ की है, बाप की। देख ले। अब जो इसकी माँ आती हो, जल्दी ले लो अपने बालक ने। ले जो ना, क्यों लाड़े दिलवारी हो। एक बात इनके ऊपर, एक बात मैं भी कहूँ।
ना ना अपने घर के तू टाल बैठ ले तू मत गावे टाल मार आप यहाँ बैठ जो पांच मिनट जिसका भी हो जाए ना तो फिर मंजू शर्मा जी ले जाएगी बोलती नहीं निकड़े अच्छा हाँ कह दे माँ वो चीज होती है अच्छा कि बालक बीमार हो जा हाँ, हाँ। बालक को कोई कोर्स करवाना पड़ जा हाँ। पढ़ाई लिखाई का हाँ। तो सबसे पहले न्यू कहेगी कि चाहे मेरे देखे एक आ चीज पाए करे बेचारियों के पास अच्छा। के चैन दे दी के कानों के दे दिए हाँ। अपने सारे गहने दे दी न्यू कहेगी मेरा बालक ठीक हो जाना चाहिए या फट जाना सारे गहने दे देगी न्यू कहेगी मेरा बालक डॉक्टर इंजीनियर बन जाना चाहिए माँ वो चीज है इस बात पे माता बहनों ताली बजा दो इसने बहुत बड़ी बात कही है यही बात है ना है? बालक बीमार हो जाए सब कुछ दे देंगी अपना अच्छा अब क्या कहर मेरा जवाब सुनिए बताना चाहता हूँ एक दिन वो 5 लाख रुपए मांगने के लिए अपने किसी दोस्त के पास में गया उसने कह दिया कि 5 नहीं 6 लाख रुपए ले जा अच्छा लेकिन ब्याज थोड़ा सा महंगा लगेगा नुके जी ठीक है मैं अपने बच्चों के लिए महंगा ब्याज देने के लिए तैयार हूँ और एक बात और है भाई कि क्या कि मेरे एक प्लॉट पे झगड़ा है उसमें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी तो वो कर्ज लेने वाला ये कह रहा अनुके जी प्लॉट पे जिस दिन झगड़ा होने की उम्मीद हो मेरे पे एक मिस कॉल कर दियो और गोली के सामने मैं अपनी छाती अड़ा दूंगा तुम्हें कुछ हर्ज नहीं होने देने का हूं तुम्हारा तो माँ तो गहने तक बेच देती है लेकिन पिता अपना तन अपना शरीर तक बेच देता है अगर बात में जान हो तो ताली बजा दो नहीं तो और माँ गहने तक बेच सके रे माँ गहने तक बेच सके ये कह रही है जब शादी होती है ना बेटी की हाँ हाँ और जब विदाई का टाइम आवे है हाँ हाँ तो माँ इतनी रोवे न्यू चावे जना दहेज में मैं ही इसके साथ चली जाऊँ अच्छा इतनी रोवे अपनी बेटी के साथ लेकिन एक बात वही बात है ना ताली बजा के क्यों ना बताती हूँ एक बात और सुन ले तो इतनी रोवे ना हम तो एक, इतना दुख होवे और बाप देख ले एक बात और सुन ले कह इतने यहाँ मर्द बैठे हुए हैं सब पिता हैं किसी ना किसी बेटी के हाँ इनमें से एक भी आदमी मुझे ऐसा बता दो जिसकी बेटी की विदाई पर अंदर ही अंदर आंखों में आंसू नहीं आए हो ऐसा एक भी पिता बता दे मुझे प्रेम दोस्तों कोई है ऐसा वो बाहर नहीं दिखाता लेकिन हर पिता के आंसू जरूर छलक आते हैं जब बेटी की विदाई होती है और एक बात और बताऊं जब बेटी की विदा होती है तो बाप का दर्जा जमाई से भी बड़ा है और समधी से भी बड़ा है कह तो देते हैं कि जी आप मेरे से बड़े हो बेटी वाला कहता है लेकिन राजा जनक ने जिस समय सीता को विदा किया और राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि जी मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा करना मैं फिर भी छोटा हूँ आप बड़े हैं कि नहीं दान देने वाला बड़ा होता है दान लेने वाला हमेशा छोटा होता है हम तेरे से छोटे हैं हम माफी
माफी मांगूं, क्या बात तुम मत मांगो, तो ऐसे होते हैं। परवीन जफरपुर वाले इस भावुक बात पर खुश होकर 200 रुपए देते हैं। परवीन जी का धन्यवाद, धन्यवाद। पाल कर्म पाल कहे।